देखिए कितनी बार कितना प्यारा होकर बैठा है चुपचाप करके, अकलमंद बन के ऐनक पहन के। निशा वाली ने इसको देखे क्या बना दिया, पहले इसको क्या बनाई इतनी मुश्किलों से, फिर ऐनक पढ़ाई। और हाँ अम्मा भी इसको ऐनक ये भी बनाते हैं, रेड वाली भी आपको दिखाते हैं। देखिए पहले इसमें प्यारा लग रहा है कि नहीं, अब आपको ये उतार के दिखाते हैं और आप दूसरी बनाते हैं, फिर आपने बताना दोनों में से किसी में ज़्यादा प्यारा लग रहा था कमेंट में। देखिए उसको जी वेलकम है आपको हमारे YouTube चैनल पर, मुनव्वर तारिक पर ब्लॉग पे। तो आज दिखाते हैं आपको कि बेगम साहिबा आज क्या बना रही है। बेगम साहिबा आज आप क्या बना रहे हैं? हाँ जी वेलकम है आप सबको न्यू वीडियो में, आज के ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरह का हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज हम बना रहे हैं थोड़े से, हमने बनाई थी दाल उबाल के रखी थी चने की दाल, तो उसके बनाने लगे लड्डू। तो अभी ट्राई मार लेंगे, पता नहीं कैसे बनते हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। बाल बाल के नहीं रखी, भिगो कर रखी है, भिगो कर रखी थी। हाँ सॉरी भिगो कर रखी थी, तो वो हम बैठे हुए फारिग थे, हमने कहा चलो यही बनाते हैं, वीडियो छोटी सी शेयर करते हैं आपके साथ। तो अपने ब्लॉग में याद किया करें, तो अभी स्टार्ट करते हैं। दाल तो हमने कर लिया हुआ है, घी डालते हैं तो इतना घी बहुत है, तो इसमें घी ज़्यादा होना चाहिए। तो जब तक घी गर्म होता है थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ये चाय भी हमारी तैयार हो रही है, ये देख सकते हैं। चाय भूख लगी हुई थी, मैंने कहा चलो बाकर खानी खा। तो जी गाइस हमारा ऑन गर्म हो गया, तो अब इसमें डालेंगे लड्डू। अच्छा जब लड्डू बनाने के पानी का चमचा जो इसमें रखा हुआ है ना, ये साइज इसका बनाने से ढीला कर लेना। इसमें क्या क्या डालें वो भी आपको बताते हैं। तो फर्स्ट हम बनाने लगे हम इसमें डाला है नमक, डाला है जीरा, डाला है और बेकिंग पाउडर, वो चुटकी भर थोड़ा सा जीरा। तो साथ चाय के साथ खाएंगे। तो आप हमारी वीडियो को पूरा वॉच किया करो, इसी तरह हमें नहीं है अप्लाई नहीं करते तो मैसेज वगैरह नहीं करते, फिर दिल नहीं करता वीडियो बनाने का। तो आप लोग इतना जुलम ना किया करें। तो चेंज करें, तो बड़े अच्छे रहे हैं। ये देख सकते हैं जबरदस्त कमाल के लग रहे हैं। इंसान को ट्राई करनी चाहिए कि कोई भी कोई चीज़ है बनाएंगे तो आपको आएगी। हाँ ये देख लें, ये चाय है हमारी। हाँ जी जी घर से तकरीबन हमने 5 मिनट इनको पकाया है, तो ये तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कलर उनका चेंज हो गया है, तब इनको निकालेंगे प्लेट में। तो आप देख सकते हैं चने की दाल जो है ना, मतलब काफ़ी काम आ जाती है। अगर आपके घर में पड़ी हो तो आप उसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत टाइम दाल इतनी नहीं खाते। थोड़ी सी दाल थी तकरीबन, थोड़ी सी दाल से कितने लड्डू, 8 लड्डू बन गए। कितने महंगे पड़ते हैं, इसी तरह आप अपने बच्चों को चीजें बना के खिलाया करें, खुद भी ट्राई कर किया करें। तो हमारा तो दिल कहता है आपके साथ कोई ना कोई वीडियो शेयर करते रहे, कुछ कुछ सिखाते रहे। जबरदस्त लड्डू,
देख सकते हैं आप लड्डू पीठी, लेकिन हम चाय के साथ खाएंगे। हाँ जी जो जी गाइस, हमारे ये वो लड्डू तैयार हो चुके हैं, साथ हमने चाय बना ली है, तब नीचे जाके खाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका, आसान रेसिपी है, आप भी बनाए ट्राई करें, आप भी इस तरह की चीज़ बनाया करें जब भी आप अपील करें तो। लेकिन हम बहुत आसान आसान डिशे बनाते हैं, तो आप हमारी वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आपको पता चले किस तरह बनाई, क्या बनाया उन्होंने, तो पूरी वीडियो को वॉच किया करें। तो शुक्रिया, थैंक यू, आप लोगों को टाइम निकालते हैं जो वीडियो देखने के लिए, तो खुदा आपको बरकत दे, वो बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलो के साथ, ओके बाय, प्लीज़।